कोवैक्सीन पर छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच जारी सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुरोध के बाद भी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन के छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट आप देखें। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच कोवैक्सीन पर जारी संग्राम फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। केंद्र और राज्य के बीच कोवैक्सीन को लेकर पत्रों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन की आपूर्ति बंद करने के लिए केंद्र को खत लिखा था, जिसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी पत्र लिखकर जवाब दिया और कोवैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। लेकिन टीएस सिंहदेव केंद्र के जवाब से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि तीसरा ट्रायल पूरा होने तक प्रदेश में कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है और जो फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें दस्तखत भी करवाए जाने हैं जो भी इसको लगाएंगे, कि ये फेज 1 और फेज 2 में कोवैक्सीन को कारगर पाया गया है, लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगा लें, तो आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे ये उचित भी नहीं है। और जैसे ही फेज 3 ट्रायल पूरा हो जाता है, जो 71,000 वैक्सीन 72,000 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं, उनका उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि डर की वजह से फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। इनकी तादाद भले ही अभी कम लग रही हो, लेकिन आगे ये संख्या अधिक हो सकती है। कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लेने वाले एक व्यक्ति की मौत हुई, इससे वैक्सीन के सुरक्षित होने के दावों पर सवाल है। केंद्र मामले में जल्दबाजी ना करे, ट्रायल के नतीजों के आधार पर फैसला होगा तो भरोसा बढ़ेगा। ऐसे अनुमति मिली तो दूसरी कंपनियां भी आ जाएंगी। कोवैक्सीन को तीसरे ट्रायल में 28,000 सैंपल लेने थे, ट्रायल में 23,000 सैंपल ही लिए जा सके थे। अधूरे ट्रायल की वजह से परिणाम संदिग्ध हैं। देश के कई राज्यों में कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शंकाओं और अफवाहों की वजह से जिस तरह कोरोना योद्धा और फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे, उससे राज्य सरकार की चिंता जायज है। लेकिन यह भी सच है कि पूरे देश में कोवैक्सीन का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे कोई बुरी खबर नहीं आई है। तो प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक करे। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 8।